खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। जिले में प्रत्येक 9 ब्लॉकों में कार्यरत मनरेगा ग्राम रोजगार सेवक संगठन ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना कर दिया। बता दें कि उनका कथन है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा सरकार नहीं करती है तब तक हम धरने पे रहेंगे और कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे, कार्य हम लोग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं टिहरी जनपद से यह बड़ी खबर। जिले में प्रत्येक 9 ब्लॉकों में कार्यरत मनरेगा ग्राम रोजगार सेवक संगठन ने अपनी 6 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर विकासखंड कार्यालय में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। संगठन के लोगों ने चंबा विकासखंड कार्यालय में कार्य बहिष्कार शुरू किया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी उपेक्षा की जा रही है जिसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन के द्वारा इसके बाद जिला स्तर व उत्तर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तेज किया जाएगा। हमारे पूरे जितने 9 विकास खंड हमारे जिला टिहरी में हैं, प्रत्येक विकास खंड में आज से कल 17/1/2020 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है, जिसमें कि मुख्यतः हमारी मांगे हैं कि 7, किसी को 8, किसी को 9 और किसी को 10 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। प्रत्येक विकास खंडों में अलग अलग ये जिला प्रशासन द्वारा वो चलाई जा रही है और साथ ही हमारे कुछ साथियों को हटाया गया है, उनको भी ससम्मान वापस लिया जाए। साथ ही हमारे लिए नेटपैक की सुविधा प्रत्येक तिमाही दिया जाए और साथ ही हमें बेरोजगारी भत्ता जो हमारा यात्रा भत्ता होता है नहीं दिया जाता, जो कि जिसका हमारा प्रावधान है संविधान में, जो हमारे ये शासनादेश में प्रावधान है, और प्रत्येक 7 तारीख को हमें मानदेय मिल जाना चाहिए, जबकि ये भी उत्तराखंड का शासनादेश है, लेकिन उनमें जिला प्रशासन द्वारा कभी भी हमारी मांगों को नहीं पूरा नहीं किया जाता और हमें हर साल हड़ताल करने के बाद 2-3 महीने की सैलरी दी जाती है और उसके बाद फिर वही हाल हो जाते हैं। अतः इसे हमने जिलाध्यक्ष होने नाते प्रत्येक विकास खंड अध्यक्षों से बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जब तक हमारी समस्त मांगें पूर्ण नहीं हो जाती और हमें हमारा पूरा मानदेय नहीं दिया जाता तब तक हमारा कार्य बहिष्कार सभी विकास खंडों में जारी रहेगा। और साथ ही अगर इसके बाद विकास खंडों में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो जिला स्तर पर हमारा धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद हम पूरे प्रदेश में भी इसका कार्य बहिष्कार का शुरू कर देंगे। 7 महीने से मानदेय नहीं मिला है। हमारी मांग ये भी थी कि जियो टैग के लिए पैसा रिलीज होता था वो भी नहीं दिया गया है। हमारा जो TA बनता है वो भी नहीं दिया, काफ़ी वर्षों से वो भी नहीं मिला है। बाकी जब भी हम आंदोलन करते तब जाके 1-2 महीने की हमें मानदेय दिया जाता है जब आंदोलन किया जाता है। इस बार भी यही हो रहा है कि अभी मैं मीटिंग से ही आ रहा हूँ, वहाँ पे BDO साहब से मिलके वो कह रहे हैं कि 2 महीने का मानदेय बन गया है पर हम उसमें सहमति नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा पूरा मानदेय नहीं दिया जाएगा तब तक हम आंदोलन करें चाहे हमें निकाल दें।